बच्चों की डिमांड पर लेकर आ गया हूं मैं एग्रीकल्चर कोर्स आफ्टर 12th। आज डिफरेंट कोर्स करने का समय है, आज वो बीए बीएससी बीकॉम करके अपना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। अगर आप भी इस कंपटीशन से बचना चाहते हैं जिसमें लोग पढ़े हुए हैं, अगर आप भी कुछ हटके करना चाहते हैं तो डिप्लोमा आफ्टर 12th एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा डिमांड है। कुछ बच्चों को शायद ये लगता है कि एग्रीकल्चर से पढ़ने का मतलब है खेती करना, ऐसा नहीं है। सीड्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एग्रीकल्चर में आती हैं, उन सब में आपको जॉब मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर आपको जॉब मिल सकती है अगर आप चाहें तो। तो 12th के बाद अगर बात करें हम, आपको एग्रीकल्चर कोर्स करना है उसकी डिटेल बताते हैं। पूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपका होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद एक डिप्लोमा आता है जो 50% में भी हो जाएगा, जिसे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो डिप्लोमा है ये कहीं ना कहीं ICAR से रिलेटेड है। इसे करने के बाद आप यहाँ पे करियर अपना बना सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये अपॉर्चुनिटी आपको देती हैं डिप्लोमा इन करियर के लिए, या फिर आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आप BSc एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की मैं बात करूँ गाइस इस कोर्स के बारे में, क्या क्या यहाँ पर रहता है, क्या क्या आप पढ़ते हैं, एक एक चीज के बारे में जानेंगे सब चीजें, ठीक है जी। चलिए, तो अगर बात करें हम डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आफ्टर 12th की, तो एक ऐसा डिप्लोमा है जिसके अंदर इनिशियल्स भी आते हैं, जैसे वेजिटेबल प्रोडक्शन हो गया, फर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो जर्नलिज्म हो गया, इन सब में आप करियर बना सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा है, 12th के बाद कोई भी कर सकता है। इसमें जनरली आपको जो पढ़ना होगा वो ज्योग्राफी के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट के बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। अगर आप आर्ट से हो तब भी आप इस डिप्लोमा को कर सकते हो। डिप्लोमा में जो एम्प्लॉयमेंट एरिया है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हो गया गवर्नमेंट का, एनिमल इंडस्ट्रीज होगी, डेयरी कंसल्टेंसी होगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी होगी, फूड चेन होगी आपका, और आपका एग्रो बायोटेक कंपनीज होगी, कमर्शियल फार्मिंग होगी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी होगी। इन सब में आपको रीजनेबल तौर पर जॉब मिल ही जाएगी। इंडिया के कुछ ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कोयम्बटूर में है आपका, जानते हो आप, हैदराबाद में भी है जिसे हम ANGR यूनिवर्सिटी कहते हैं, JNU दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा एडमिशन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है लुधियाना में, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है करनाल में हरियाणा में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और बरेली में भी है इंडिया वर्टिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRR बरेली। तो ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 12th के बाद आप इन्हें करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप इन्हें करिए, रिलैक्स होकर अपना करियर इसमें बनाइए। 2 साल करने के बाद आपको कंपनीज में जॉब, मार्केटिंग में जॉब, हॉस्पिटल्स में जॉब, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर आप भी एग्रीकल्चर डिप्लोमा करने का मन है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कनेक्शन रहिए, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए SBJ क्लासेस। थैंक यू।